यहाँ पे एक दो दिन पहले आया था तो मैंने देखा मासी यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बना रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जो खतरे की घंटी का टाइम है ना 7:30 बजे, उससे भी थोड़ा सा लेट ही उठा हूँ, तो ऊपर जाना और घूमना तो पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने रूम पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, फटाफट रूम के काम करके रेडी हो रहा हूँ, मिलते हैं फिर सीधे ही ऑफिस में। मेरे सीनियर सर आए नहीं हैं और वो मेरे को कल ही बता गए थे कि आज मेरे को क्या क्या काम करने हैं, कौन सी ड्राइंग्स बनानी है, कौन सी फाइलें रिलीज करनी है, तो इसलिए मैं कल बहुत ज्यादा लेट हो गया था। रूस और यूक्रेन का जो अभी लड़ाई चल रही है ना, इसका सारे वर्ल्ड पे ही कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। हर किसी पे ना एक नेगेटिव प्रेशर सा है, जैसे कोरोना की वजह से इकोनॉमी डाउन हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, लोग मारे गए थे। सेम एज इट इज़ इस वॉर का रिजल्ट निकलेगा, हर देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, लोग तो मारे ही जाते हैं वॉर में, और साथ के साथ महंगाई भी बढ़ेगी। ओवरऑल कोरोना चला गया लेकिन वो दूसरी बीमारी छोड़ गया ये वर्ल्ड वॉर की। अब देखो कैसे सुलझेंगे ये देश। बाकी रशिया बहुत ही अड़ियल देश है, उसने वार्न किया है कि मान लो थर्ड कंट्री यूक्रेन के फेवर में आई तो वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो काम हो रखा है। और हर युग का एंड है ना ऐसे ही होता है। अब देख लो त्रेता में ऐसे रामायण हुई थी, द्वापर में महाभारत हुई थी, और कलयुग में अब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की तैयारी हो रही है। पता है काल चाहता है कि इस टाइम पे धरती को मानव रहित कर दूं, क्योंकि उसे पता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि कलयुग के इस टाइम पे परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आएंगे और वो सतलोक जाने का संदेश देंगे। तो काल चाहता है कि उस संदेश के फैलने से पहले ना धरती पे मानव जाति ही खत्म कर दूं। गुरु जी पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से कोई समझ जाए, सोशल मीडिया, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, कोई भी ऐप उठा के देख लो, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मनुष्य जीवन को सफल बना ले। आज मेरे सीनियर सर के साथ मेरे को बाहर किसी साइट पे जाना था गाड़ी देखने, वहां से अभी आए हैं 12 बजे और बाहर तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। अब ऋषि भी नहीं है ना तो थोड़े काम बढ़ गए हैं, कई बार नीचे जाना पड़ता है प्रोडक्शन लाइन में। आई होप कोई अच्छा सा कोलीग जल्दी आ जाए और जो मेरे को भी बहुत सी नई चीज़ें सिखाए। परसों एक फाइल रिलीज की थी मैंने और उसकी गलती आज पकड़ में आई है, तो अभी जल्दी से जल्दी जाके वो ठीक करके आनी है वहाँ पे। अभी 9 बज गए हैं और 3 काम रहते हैं, एक तो मैस पे खाना खा के आना है, एक सामान लाना है और तीसरा सबसे ज़रूरी काम है फ्लैट में मेरे को शिफ्ट होना है, वहाँ पे देख के आना है कि रूम ओनर ने क्या कुछ काम करवाया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 2 या 3 मार्च को वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। कई दिनों बाद आया हूँ मैं मासी की मैस में, यहाँ पे एक दो दिन पहले आया था तो मैंने देखा मासी यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बना रही है, ये रहा चूल्हा। चूल्हे की रोटी देख के मेरा बहुत मन हो गया कि मैं खाना खाऊं, तो इसलिए आज इस मैच में आ गया हूं। तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है ना? बढ़िया। अच्छी है। मैच पे खाना खा के दुकान से सामान लेके और अब प्रस्थान कर दिया है अपने रूम की तरफ, वहां पे सामान रख के फिर प्रस्थान करना है अपने नए फ्लैट की तरफ। का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। रूम पे आके याद आया कि पानी का कैंपर खत्म हो रखा है, तो पहले पानी भरवा के आते हैं। शॉप पे पानी के कैंपर खत्म हो गए थे क्योंकि मैं ज्यादा लेट हो गया था, 10 बज गए हैं। पानी का कैंपर सुबह मिलेगा और मेरे रूम में सिर्फ एक पानी की बोतल है और वो 1 लीटर से भी कम है। सुबह तक उस एक पानी की बोतल में काम चलाना है। आज तो रूम ओनर से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो बोले कि कल रात को आप एक बार आओ और पेंटिंग का काम स्टार्ट है, 2 दिन में पेंटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं कभी भी शिफ्ट कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है कि भाई कब मेरे को टाइम है। और मैं बता रहा था कि मेरे को आज पानी का कैंपर नहीं मिला, तो मेरे पास सिर्फ ये एक पानी की बोतल है, इस बोतल के सहारे ही मुझे सुबह तक का टाइम निकालना है। आज के व्लॉग को इसी एक वाटर बोतल के साथ करते हैं खत्म, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।